हेलो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने बी फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ा इस वीडियो में हम ए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए को देखेंगे और साथ ही ए बी और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के बीच कंपैरिजन को भी देखेंगे तो सबसे पहले आइए हम ए फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में चर्चा करते हैं इसका हेलिक्स राइट right हैंडेड होता है ये ब्रॉडर होता है और एक्सेस के अलोंग ज्यादा कंप्रेस्ड होता है कहने का तात्पर्य है कि अगर हम बी डी एन ए से, से कंपेयर करें तो ये बी डी एन ए से शॉर्टर और वाइडर होता है ए डी एन ए में स्लाइटली हायर बेस पेयर पर टर्न होता है मतलब एक हेलिकल टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर बी डी एन ए से स्लाइटली ज्यादा होता है इस वजह से इसका ट्विस्ट एंगल स्मॉलर होता है और राइज पर बेस पेयर मतलब दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस भी स्मॉलर होता है इसमें बेस पेयर सेंट्रल एक्सेस से डिस्प्लेस्ड होता है सेंट्रल एक्सेस से थोड़ा दूर होता है और मेजर ग्रुप के क्लोजर होता है डिहाइड्रेटेड सैंपल्स ऑफ डीएनए में ए फॉर्म ऑफ डीएनए देखा जा सकता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेयरली आकर होता है क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस

सर्टेन प्रोटीन्स डीएनए से जब बाइंड करते हैं तो उसके सॉल्वेंट को स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं और उसे ए फॉर्म लेने के लिए फोर्स करते हैं अर्थात जब सॉल्वेंट स्ट्रिप ऑफ हो जाता है तो डीएनए ए फॉर्म ऑफ डीएनए को अडेप्ट कर लेता है हाइपर थर्मोफिलिक आर्कियल वायरसेस में डीएनए ए फॉर्म को अडेप्ट करते हैं जो कि डीएनए को हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है आइए अब हम जेड डीएनए के बारे में देखते हैं जेड डीएनए राइट हैंडेड डीएनए से डिफरेंट होता है इसका हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड होता है इसमें जो फोस्फोडाइसट बैकबोन होता है वो जिक्जैक्ट पैटर्न में होता है ये फॉर्म होता है जब डीएनए में अल्टरनेटिंग प्यूरिन और पैरामिडिन सीक्वेंसेस होते हैं जैसे कि जीसी 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 एंड सो ऑन ये डीएनए का परमानेंट फॉर्म नहीं होता है बल्कि ये ट्रांजिएंट फॉर्म है और ये ओकेजनली एग्जिस्ट करता है सर्टेन टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी के रेस्पॉन्स में और उसके बाद ये क्विकली डिजपियर भी हो जाता है इसलिए इसका स्टडी डिफिकल्ट होता है वैसे कंडीशंस जो कि जेड dna को फेवर करते हैं जेड dna हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन के द्वारा फेवर्ड होते हैं मतलब हाई सॉल्ट कंटेंट या कंसंट्रेशन जेड dna के फॉर्मेशन को फेवर करता है जेड Z-DNA रेडिली फॉर्म होते हैं जब अल्टरनेटिंग प्यूरिन और पायरेमिडीन सीक्वेंसेस होते हैं जैसे कि जी सी जी सी जी सी एंड सो ऑन क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन का कन्फर्मेशन डिफरेंट होता है कुछ प्रोटीन्स जब बी डी एन ए से बाइंड करते हैं तो डी एन ए को जेड फॉर्म या ए फॉर्म लेने में या एडेप्ट करने के लिए फोर्स करते हैं या ड्राइव करते हैं नेगेटिव डीएनए सुपरकोइलिंग और कुछ कैटायंस भी जेड डी एन ए के फॉर्मेशन को फेवर करते हैं आइए अब हम ए फॉर्म बी फॉर्म और जेड फॉर्म ऑफ डी एन ए के बीच कंपेरिजन्स को देखते हैं पहला है हेलिक्स ए फॉर्म में राइट right हैंडेड होता है बी फॉर्म में भी राइट right हैंडेड होता है जेड फॉर्म में लेफ्ट हैंडेड होता है तो यहाँ सिर्फ जेड फॉर्म में लेफ्ट हैंडेड होता है ए और बी फॉर्म में हेलिक्स राइट हैंडेड है रिपीटिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो ए फॉर्म में वन बेस पेयर है बी फॉर्म में भी वन बेस पेयर है और जेड फॉर्म में टू बेस पेयर है अगर हर नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न मतलब पर हेलिकल टर्न नंबर ऑफ बेस पेयर की बात करें तो ए फॉर्म में ये टेन पॉइंट सेवन है बी फॉर्म में ये 10.4 है और जेड फॉर्म में ये 12 है तो सबसे ज्यादा जेड फॉर्म में है और सबसे कम बी फॉर्म में है ए फॉर्म में बी फॉर्म से स्लाइटली ज्यादा नंबर ऑफ स्लाइटलीस पे टर्न है फोर्थ है हेलिक्स डायमीटर दो पॉलियो न्यूक्लियोटाइट स्ट्रैंड के बीच का डिस्टेंस ए फॉर्म में ये 23 थ्री एंगस्ट्रॉम है बी फॉर्म में ट्वेंटी एंगस्ट्रॉम और जेड फॉर्म में एटीन एंगस्ट्रॉम है मतलब ए फॉर्म जो है वो वाइडेस्ट या ब्रॉडेस्ट होता है और Z फॉर्म सबसे नैरो होता है एक्सीएल राइज यानी कि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस A फॉर्म में ये 2.3 पॉइंट एंगस्ट्रॉम है B फॉर्म में 3.32 पॉइंट एंगस्ट्रॉम है और Z फॉर्म में ये 3.8 पॉइंट एंगस्ट्रॉम है सिक्स है हेलिक्स पिच A फॉर्म में ये 24.6 फोर एंगस्ट्रॉम है B फॉर्म में 33.2 पॉइंट एंगस्ट्रॉम है और Z फॉर्म में 45.6 पॉइंट एंगस्ट्रॉम है बेस पेयर टिल्ट यानी कि बेस पेयर का प्लेन एक्सिस के अलाउ कितना डिग्री टिल्टेड है ए फॉर्म में ये 20 डिग्री है बी फॉर्म में माइनस सिक्स डिग्री है और जेड फॉर्म में ये 7 डिग्री है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ए फॉर्म में एंटी है बी फॉर्म में एंटी है और जेड फॉर्म में एंटी है एडेनिन साइटोसिन और थामिन के लिए और सिन है गुआनिन के लिए शुगर पकर ए फॉर्म में सी थ्री डैश एंडो है बी फॉर्म में सी टू डैश एंडो है और जेड फॉर्म में एडिनिन, साइटोसिन और थाइमिन के लिए c2 टू एंडो है और गुआनिन के लिए c3 थ्री एंडो है ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड और शुगर पकड़ के बारे में हमने न्यूक्लिक एसिड वीडियो में पहले ही डिस्कस किया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं मेजर ग्रुप ए फॉर्म में मेजर ग्रुप नैरो और डीप होता है बी फॉर्म में ये वाइड और डीप होता है और जेड फॉर्म में ये फ्लैट होता है माइनर ग्रूव की अगर हम बात करें तो ए फॉर्म में यह वाइड और शैलो होता है बी फॉर्म में यह नैरो और डीप होता है और जेड फॉर्म में भी यह नैरो और डीप होता है तो अब प्रश्न उठता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए क्यों एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए एग्जिस्ट करते हैं ताकि डीएनए अनफेवरेबल कंडीशंस में भी प्रोटेक्टेड रहे हम जानते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो कि फेवरेबल कंडीशंस होते हैं उनमें बी डी एन ए अगर होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमेशा कंडीशंस फेवरेबल नहीं होते हैं कभी कभी कंडीशंस अनफेवरेबल भी होते हैं तो उन अनफेवरेबल कंडीशंस में डी एन ए को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं जैसे जब हाइड्रेशन लो होता है यानी कि जब फ्लूइड कंटेंट या वाटर कंटेंट सेल का लो होता है तो उस समय डीएनए ए फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या अकर होता है और जब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है तो जेड डीएनए का फॉर्मेशन फेवर्ड होता है बी डीएनए के अलावा जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए है जैसे ए डीएनए या जेड डीएनए ये भी आसानी से उन प्रोटीन्स से इंटरैक्ट करते हैं जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन जीन एक्सप्रेशन और रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं साथ ही हम जानते हैं कि सेल का न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है तो डीएनए अपने स्ट्रेच फॉर्म में इस न्यूक्लियस में फिट नहीं हो सकता है इसलिए डीएनए को कंपैक्ट करने की आवश्यकता होती है ताकि वो सेल के न्यूक्लियस में फिट हो सके क्योंकि न्यूक्लियस में इनफ स्पेस नहीं होता है स्ट्रेच फॉर्म ऑफ डीएनए को फिट करने के लिए इसी वजह से डीएनए क्रोमोसोम क्रोमोजोम में पैक्ड होता है और हम कहते हैं कि डीएनए कोइल्ड ए स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में डिटेल में हमने क्रोमोजोम ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में चर्चा की है इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और जब डीएनए की क्रोमोजोम में पैकिंग होती है तो उस समय न्यूक्लियोजोम्स का फॉर्मेशन होता है तो डीएनए जो है न्यूक्लियोजोम के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या न्यूक्लियोजोम के फॉर्मेशन में इनका रोल होता है तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू